सोशल मीडिया माइक्रोसाइटेक्स पर आगरा की एक खबर को लेकर काफी भूचाल मचा हुआ है। दावे किए जा रहे हैं कि मस्जिद के अंदर एक हिंदू महिला की लाश मिली, लेकिन इस मामले पर लीपापोती हो रही है। कुछ वीडियो और फोटोज भी शेयर किए जा रहे हैं और बेटी की मस्जिद में अदनंगी मौत के नाम से हैशटैग ट्रेंड हो रहा है। ये खबर वायरल होने के बाद यूपी तक ने इस खबर की पड़ताल करने की ठानी और हमारे संवाददाता अरविंद शर्मा आगरा के उसी इलाके में पहुंचे जहां ये घटना घटी है। घटना पर डिटेल कवरेज के दौरान जो कहानी हमारे सामने आई वो बिल्कुल चौंकाने वाली थी। हमने जब इस मामले को लेकर पुलिस सहित लोगों से बात की तो पता चला कि 19 मई को पुलिस के पास एक फोन आता है और जानकारी दी जाती है कि आगरा के नागला पेमा इलाके के संदली मस्जिद में एक महिला की लाश मिली है। महिला का चेहरा पत्थरों से कुचला हुआ मिला और देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई विवाद की वजह से उस हत्या को अंजाम दिया गया है। क्योंकि यह घटना ताजमहल की सिक्योरिटी जोन के अंदर घटी थी, इसलिए पुलिस मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत फोरेंसिक सहित डॉग स्क्वाड टीम लेकर मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जांच जब आगे बढ़ती है तब पुलिस के हाथ महिला का पर्स लगता है जिसमें एक शख्स की फोटो थी। पुलिस ने जब मामले पर आगे छानबीन शुरू करी तो पता चला कि फोटो ताजगंज इलाके के बिल्लौचपुरा के रहने वाले आमिर खान की है। पुलिस जब आमिर खान के घर पहुंची तो आमिर की मां ने बताया कि उन्होंने ही महिला को आमिर खान की फोटो दी थी। दूसरी तरफ पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगी तो देखा कि महिला सुबह करीब 8 बजे किसी शख्स के साथ जा रही थी। पुलिस ने शख्स को शिनाख्त करने के बाद उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पुलिस की दावों की माने तो प्रथम दृश्य ये लग रहा था कि महिला के साथ किसी बात को लेकर लड़ाई हुई होगी और महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस जांच आगे बढ़ाती है और पता लगता है कि महिला की शादी 20 साल पहले उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में हुई थी, मगर महिला की शादी महज 2 साल चली और महिला की एक बेटी हुई जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल है। दावों की माने तो मायके आने के बाद महिला रोज सुबह अपनी मर्जी से संदली मस्जिद साफ सफाई करने के लिए जाने लगी। संदली मस्जिद सन्नाटे वाले इलाके में मौजूद है, लेकिन आमतौर पर वहां नमाज के समय ही नमाजी पहुंचते हैं। पुलिस ने इस मामले पर कई एंगल से जांच शुरू करी जिसमें तंत्र मंत्र वाला एंगल भी जोड़ा गया। घटना के बाद डीसीपी आगरा सिटी ने बयान जारी करते हुए घटना के बारे में बताया था। आज दिनांक 19/5/2024 को थाना ताजगंज अंतर्गत नगमा पैमा क्षेत्र में सूचना मिली कि एक मस्जिद में एक महिला का शव मिला है और इस सूचना पर तत्काल थाना ताजगंज पुलिस ACP सदर और स्वयं मेरे द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। मौके पर फील्ड यूनिट डॉग स्क्वाड भी पहुंची और प्रथम दृष्टया घटनास्थल को देखने पर यह प्रतीत होता है कि यह हत्या का मामला है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शव के शिनाख्त की कोशिश की जा रही है और इस घटना के सफल अनावरण के लिए टीमों को लगा दिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई थाना ताजगंज पर की जा रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस खबर को हिंदू मुस्लिम एंगल देकर वायरल करवाया जा रहा है और लोग मृतिका को हिंदू बेटी कहकर मामले को तूल देने में लगे हैं। लेकिन फैक्ट चेक में पता लगा है कि सोशल मीडिया पर जो दावे किए जा रहे हैं वो फर्जी हैं और इसमें हिंदू मुस्लिम कोई एंगल नहीं है। सोशल मीडिया में तमाम फर्जी दावों को नकारते हुए आगरा पुलिस कमिश्नरेट की ओर से एक ट्वीट किया गया और कहा गया कि थाना ताजगंज क्षेत्रागत मस्जिद में मिली मृतिका महिला मुस्लिम है। विवेचना तथा वैज्ञानिक साक्ष्यों से मृतिका के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। ट्वीट में झूठे भ्रामक तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। कृपया सही तथ्य की जानकारी लिए बिना कोई भ्रामक पोस्ट कर अफवाहें ना फैलाएं जिसमें समाज में शांति कानून व्यवस्था प्रभावित हो, अन्यथा आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु 4 पुलिस टीमें गठित हैं। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। आगरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।